बाइकों में जबरदस्त भिड़ंत, चार लोग गंभीर रूप से घायल। बारात में जा रहे थे बाइक चालक, ग्राम रुसल्ली के पास का मामला। बेमेतरा में तहसील कार्यालय के सामने 17 दिन से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। हड़ताल के दौरान किया अनूठा प्रदर्शन, नवदुर्गा बनकर नारी शक्ति के रूप में निकाली झांकी। बुरहानपुर में देहड़ लाई जंगल में बाघ ने किया किसान पर हमला, हमले में किसान की मौत, दो दिन से लापता था किसान। हरिद्वार में राजशाही सवारी घोड़ा तांगा सरकारी का अनदेखी के चलते बदहाली की ओर, तांगा स्टैंड पर भूमाफियाओं का कब्जा, तांगा संचालकों के सामने आजीविका चलाने का खतरा। गोटेगांव का बेटा निशांत जैन खेलेगा अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी, समाज सेवी मणि नागेंद्र सिंह ने कबड्डी प्रशिक्षण के लिए हरियाणा खेल अकादमी में भेजा, अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खेलने के लिए हुआ चयन। जजुआना में जाट महाकुंभ को लेकर हुई बैठक का आयोजन, महाकुंभ को लेकर हुआ पोस्टर का विमोचन, 5 मार्च को जयपुर में आयोजित होगा जाट महाकुंभ। पिंपरी चिंचवाड़ में ठाकरे गुट के शहर प्रमुख सचिन भोसले और भाजपा कार्यकर्ता में मारपीट, घायल सचिन भोसले अस्पताल में भर्ती, पुलिस सतर्कता से टाल रही हादसा। नागौर में ट्रैक्टर से गिरने से युवक की मौत, डॉक्टरों ने युवक को किया मृत घोषित, सिंगरा वाट कला का मामला। अहमदनगर में सदगुरु विश्वानंद महाराज का संजीवन समाधि समारोह, जिले के पिंपरी राजा में विश्वानंद महाराज ने ली संजीवन समाधि, उत्सव में बड़ी संख्या में शामिल हुए भक्त। बिजनौर में अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई कार, दुल्हा दुल्हन सहित आधा दर्जन लोग घायल, धामपुर सियोहारा के ग्राम चंचलपुर की घटना। बलरामपुर में ग्रामीणों ने रामानुगंज विधायक के निवास का किया घेराव, मोर आवास मोर अधिकार के तहत ग्रामीणों ने किया विरोध, पुलिस ने ग्रामीणों को बैरिकेड और पानी की बौछार करके रोकने का किया प्रयास। बुरहानपुर जिले के घाबरला वन परिक्षेत्र में ग्रामीणों ने सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल और विधायक सुमित्रा काजरेकर की विकास यात्रा रोकी, जमकर सुनाई करी खुट्टी, अंधाधुंध जंगल कटाई के चलते ग्रामीण नाराज। हमीरपुर में तेज रफ्तार रोडवेज बस ने 6 वर्षीय मासूम को रोंदा, मासूम की घटना स्थल पर हुई मौत, ग्रामीणों ने रोड हंगामा कर मुस्कुरा थाना क्षेत्र के बिहुनी गांव का है पूरा मामला। शमशाबाद में विधायक राजवीर सिंह ने पत्रकारों के लिए नए पत्रकार भवन का किया लोकार्पण, प्रदीप महेश्वरी नगर पंचायत अध्यक्ष और समस्त पत्रकार रहे मौजूद। बुरहानपुर जिले में सामाजिक संगठन ने किया विरोध प्रदर्शन, सामाजिक तत्वों ने शहर में अराजकता फैलाने के लिए नारंगी कलर के बैनर और पोस्टर शहर के विभिन्न मार्गों पर लगाए। लखनऊ में दानिश आजाद को धक्का देने के बाद मोहसिन का एक और वीडियो वायरल, मंत्रियों को धक्किया रहे पूर्व मंत्री मोहसिन रजा, गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में मंत्री दानिश आजाद को कुर्सी से उठाया था। जासूसी मामले में बीजेपी का दूसरा दिन भी प्रदर्शन, कई भाजपा कार्यकर्ता हिरासत में, आप मुख्यालय पर सीएम केजरीवाल का प्रोग्राम कैंसिल। अमृतसर में खलिस्तान समर्थक बंदूक तलवार लेकर पुलिस से भिड़े, हजारों की तादाद में थाने का किया घेराव, झड़प में कई पुलिसकर्मी घायल। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत, कल असम में हुई थी एफआईआर दर्ज, आज विमान से उतरकर दिल्ली एयरपोर्ट पर किया गया गिरफ्तार। यूक्रेनी सांसद ने पीएम मोदी के बयान का किया समर्थन, कहा ये जंग का युग नहीं। एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी इलेक्शन में आधी रात मारपीट, आप बीजेपी पार्षद भिड़े, बैलेट बॉक्स उखाड़ा, हंगामे के चलते कार्रवाई की स्थगित। वैज्ञानिकों की रिपोर्ट से तय होगा जोशीमठ का कितना क्षेत्र है असुरक्षित, तभी होंगे पुनर्निर्माण, क्या तकनीकी संस्थान कर रहे हैं परीक्षण। कपाट खुलने के बाद शुरू होगा गंगोत्री यमुनोत्री धाम के लिए पंजीकरण, लेकिन बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के पंजीकरण हो चुके शुरू। अगले 4 दिन गर्मी से मिलेगी राहत, हल्की बारिश के आसार, 28 फरवरी के बाद फिर चढ़ेगा पारा। अब यमुनोत्री की कठिन चढ़ाई चढ़ने से मिलेगी राहत, रोप वे निर्माण के लिए हुआ अनुबंधन, 100 करोड़ की आयोग आएगी लागत।